लोगों को यह सुनकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें यह खबर मिलती है कि कोटपुतली से श्री गंगा नगर हाईवे एक नया बन रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर यह ख्याल आया कि चलो बढ़िया है, सीधा रास्ता और हाईवे एक और इन रास्तों से गुजर कर जाएगा तो व्यवसाय खुलेगा, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। लेकिन कोटपुतली से गंगानगर हाईवे का जो मामला है वह और ही निकला है। बजट घोषणा के तहत प्रदेश में बनने वाले 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस में से एक श्रीगंगानगर से कोटपुतली हाईवे का फर्जी मैप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आलम यह है कि स्थानीय लोग इस मैप को देखने के चक्कर में फर्जी ऐप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं। इस प्रकार के फर्जी मैप और फर्जी वायरल करके लोगों को ठगने का काम भी किया जाता है। ऐप बनाया जाता है और लोगों को कहते हैं देखिए इस ऐप को, जय हाईवे निकल रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठगों ने नए नए तरीके निकाल रखे हैं। वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी सहित NHAI के दफ्तरों में स्थानीय लोग लगातार कॉल कर नक्शे सहित अन्य जानकारियाँ मांग रहे। फर्जी मैसेज में यह बताया गया है कि रिको गंगानगर से कोटपुतली तक 6 लेन हाईवे प्रस्तावित है, जो कि जोगीवाला पन्नीवाली जटान के बीच में से होकर उम्मेवाड़ा और कुमारवाड़ी डाणी के बीच में से निकलकर पक्का बादवा और पक्का सारन के बीच से निकलकर मक्का सार डबली ठान के बीच में मटोरी वाली डाणी से गुजरेगा। जबकि सच्चाई तो यह है कि श्रीगंगानगर से कोटपुतली हाईवे की DPR तक नहीं तैयार हुई है। वहीं साइबर एक्सपर्ट वाहेगुरु ने जानकारी देते बताया कि ऐप पूरी तरह से फर्जी है और इसे इंस्टॉल करने के बाद निजी जानकारी आपकी हैक हो सकती है। इसलिए बार बार पुलिस के द्वारा और जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा बार बार वीडियो बनाकर कहा जाता है। कलमनुज के द्वारा कई बार वीडियो बनाकर आपको जागरूक करने का काम किया है कि आप इस प्रकार के फर्जी ऐप को क्लिक मत करिए और उसमें जानकारी देने के लिए आप इसके चक्कर में मत पड़िए। तरह तरह के ठग इस देश के अंदर पैदा हो चुके हैं और वे इस प्रकार के फर्जी ऐप बनाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं और आपकी तमाम ऐसी गुप्त जानकारियां और आपके संबंधी तमाम जानकारियां जुटाकर वे फिर बाद में जो पैसा आपके खाते में होता है ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आपको पता नहीं होता, आप सोए होते हैं, सुबह उठते हो तो पैसा आपका ऐप के जरिए गायब हो जाता है। इसलिए हम तो कहेंगे जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए। कलम न्यूज की तरफ से सभी को नमस्कार।